नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में। आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूं कि फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग क्या होता है। अगर आप फ्यूचर में फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग होता क्या है? ऑलमोस्ट मूवी जो होती है एक कहानी दर्शाती है। तो ऐसे ही जब हम कहानी दूसरों को बताते हैं या दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो वो एक स्टोरी टेलर होता है, उसको स्टोरी टेलिंग कहते हैं। और जो अच्छा स्टोरी टेलर होता है वो अच्छा फिल्म मेकर भी बनता है या वो अच्छा फिल्म मेकिंग कर सकता है। ज्यादातर स्टोरी टेलिंग कुछ इस तरीके से होता है। एक फिल्म में हीरो होता है और उसके रास्तों में कई सारी समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती है, एंड देन वो उस समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करता है और अपने गोल तक कैसे पहुंचता है। तो ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग इसी पर बेस्ड होती है। इसी तरीके से कहानी को दर्शाई जाती है, बताई जाती है। पर जब फिल्म मेकिंग उसी कहानी, जब हम कोई कहानी बोलते हैं, ठीक है, उसी कहानी को जब हम फिल्म मेकिंग मतलब विजुअली दर्शाते हैं, मेकिंग करते हैं, फिल्म में कन्वर्ट करते हैं, तो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। एंड वो जो लिखने का मतलब फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है। तो काफ़ी सारी फिल्म जो होती है वो दो तीन तरीके से लिखी जाती है। कोई फिल्म होती है वर्ड नो वर्ड्स, मतलब वर्ड्स जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स के थ्रू मूवी को प्रेजेंट किया जाता है। एंड नो वर्ड्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमोशन होता है, एक्टिविटी होती है, लेकिन उसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हम रेगुलर लाइफ में भी नो वर्ड्स कम्युनिकेशंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ लाने को कह दिया, मैं नहीं लाई। तो उसको जब मैंने बताया कि मैं ये तेरे लिए नहीं लाई हूँ, तो दैट मीन्स उसका जो एक्शन एंड रिएक्शन होएगा, वो बोलेगी नहीं कुछ, बट द वे वो जिस तरीके से अपनी मतलब जेस्चर दिखाएगी, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगी, उससे पता चल जाएगा कि हाँ वो मुझसे नाराज़ है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है हमारे रेगुलर लाइफ में भी होता है कि हम बिना बोले अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही फिल्म मेकिंग में भी होता है कि हम बिना बोले, बिना डायलॉग्स का इस्तेमाल किए हम पूरी फिल्म मेकिंग करते हैं और एक कहानी को दर्शाते हैं। तो ऐसे फिल्म्स को कहते हैं नो वर्ड्स, एंड वर्ड्स जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं। दूसरा होता है वर्ड्स, मतलब उसके अंदर एक्शन होता है, इमोशन होता है, बट उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं। एंड जब ऐसे डायलॉग्स वाली फिल्म होते हैं तो वो ऑडियंस को ज़्यादा मतलब ऑडियंस उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है या कम्युनिकेट कर पाती है। तो इस वजह से मतलब ज़्यादातर मूवी वर्ड्स के ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर मूवी डायलॉग्स के ही होते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो होती है डायलॉग्स से ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। एक्शन भी होता है, इमोशन भी होता है, विद डायलॉग्स भी होते हैं। तो वर्ड्स का मतलब भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है मेकिंग इट बेटर विद प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई मूवी क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम जितनी बाधाएं डालते हैं, जितने प्रॉब्लम्स डालते हैं, तो वो मूवी उतना ही उभर के आता है। आई मीन वो मूवी इतना ही इंटरेस्टिंग बनता है। तो हम जितनी मूवी में प्रॉब्लम्स डाले एंड तो वो स्क्रीन प्ले और अच्छा होता है और वो मूवी देखने में और ज़्यादा अच्छी लगती है और जो ऑडियंस होती है वो और ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।